Allez. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui s'est préparé un petit peu pour la livrer aux habitants? Alléluia. सब अपनी अखा बंद करिए अपना मुंह खोलिए प्रभु यीशु मसीह दी उस तरह वास्ते सब अखा बंद करिए अपने हाथ में उठाइए प्रभु यीशु मसीह दी वड़ियाई दे लई हालेलुया सब अपना मुंह खोलिए हालेलुया यीशु मसीह तेरे लहू की जय हो प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय यीशु मसीह तेरे पवित्र 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 सामर्थ्य जीवित लहू की जय हालेलुया यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय हो पवित्र लहू की जय हो सब यीशु मसीह दे लहू दी उस्तत करिए अपना मुंह खोलिए सब प्रभु जी तुहाडे लहू नूं इस जगह असीं पुकार दे आं तुहाडी जवानी दा पवित्र खून बेऐब लहू निर्दोष लहू हाबिल दे लहू दे नालों बेहतर गल्लां करन वाला लहू ओ लहू जिहड़ा कुवत नाल भरिया है ओ लहू जिहड़ा महिमा नाल भरिया है ओ लहू जिहड़ा सामर्थ दे नाल भरिया है ओ लहू जिहड़ा यहोवा दा लहू है उस लहू दी कुदरत नूं इस जगह असीं खोलदे आं यीशु मसीह दे नां च यीशु मसीह तेरे लहू दा बाड़ा इस जगह मैं बन्ना तेरे खून दा बाड़ा तेरे जलाली लहू दा बाड़ा इस जगह मैं बन्ना यीशु मसीह मैं तेरे लहू दी कुदरत नूं खोलदा तेरे खून दी कुदरत नूं मैं तेरा काहिन होण दे नाते तेरा याजक होण दे नाते तेरा पुरोहित होण दे नाते तेरे लहू दी कुदरत नूं खोलदा जिस तरह तेरा याजक तेरी प्रजा दे उत्ते इसराइल दे 12 गोत्रां दे उत्ते मेमने दे लहू नूं छिड़कदा सी उसी तरह मैं तेरा काहिन यीशु मसीह तेरे जलाली अनंत वाचा दे लहू नूं जेड़ा साडे मुर्दे अंत करन नूं जिउंदा कर दिंदा है हालेलुया उस लहू नूं इस जगह छिड़कदा उस लहू दी हुजूरी नूं खोलदा इस जगह हर जुआ हर बंधन यीशु मसीह दे लहू दे साए थले लेके आंदा है हर जुए हर बंधन नूं यीशु मसीह दे खून दे साए थले लेके आंदा है अपने हाथ उठाइए सब जिथे यीशु मसीह दा लहू है यीशु मसीह दे लहू दे उत्ते पवित्र आत्मा जुंबश कर रहा है पवित्र आत्मा कदे भी उस जगह नहीं जांदा जिथे यीशु दा प्राश्चित दा खून नहीं है जिस जगह लहू है उस लहू ते पवित्र आत्मा मंडलांदा है जिथे लहू ते पवित्र आत्मा काम करदे ने उथे यहोवा दा जिउंदा वचन उतर आंदा क्योंकि यहोवा दा जिउंदा कलाम पवित्र आत्मा ते लीले दा लहू आपस च मिलके काम करदे ने हालेलुया सब अपने हाथ उठाइए अखा बंद करिए कुछ पल यीशु मसीह दे लहू नूं पुकारिए अपने जीवन दे उत्ते सब मुंह खोलिए अपना पुकारिए यीशु मसीह दे लहू नूं हालेलुया लहू की जय हो सब मुंह खोलिए लहू नूं पुकारिए तेरे लहू की जय तेरा लहू जिंदा है यीशु मसीह तेरा लहू हमारे बीच में काम कर रहा है तेरे लहू की हजूरी तेरे लहू की सामर्थ तेरे लहू की जलाली उपस्थिति खोलते हैं आज हालेलुया तेरे जलाली लहू की जय तेरे जलाली लहू की जय तेरे जलाली लहू की जय हो यीशु तेरे जलाली खून की जय हो यीशु मसीह हमारा छुटकारा सोने और चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं वरन तेरे बेऐब और जिंदा लहू के वसीला हुआ सब परमेश्वर के जोर चुटाए हालेलुया थैंक यू जीसस फादर मे द मिस्टीरियस प्रेजेंस द ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस डिसेंड इन दिस ग्राउंड
and may the presence linger and continue to do its work till your word is unleashed tonight. Father, I pray that you deploy the battalions of heaven. May you unleash the angelic host in this place. Holy Spirit, take charge of every mind, every soul, and every single thought. And glorify Jesus in this place. Lord Jesus, glorious Jesus, I pray that you would walk in this place tonight. That your holiness, Khudavand, teri pavitra hazuri humare beech mein utre. Pavitra hazuri, teri aag se dhadakti hui, pavitra upasthiti humare beech mein utre aaj ki raat. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Khudavand, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਜੂਏ ਟੁੱਟਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਲਹੂ ਕੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੋ, ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੀਜੀਏ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਬਰਫ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਨ ਵਾਂਗਰ ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰ ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਨਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਸੀਮ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨੀਅਲ। ਉਹ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਬਲੋਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ 70 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੱਕ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
रेफरेंस दिना तुम बाद च पढ़ लेना, हम साढ़े को ज्यादा वचन पढ़ने का वेला नहीं। इसीकियल नबी उदा 14 अध्याय उदे 21 वचन च स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा आखदा है इसराइली प्रजा दे नाल। परमेश्वर आखदा है अगर तुसी मेरी इस वाचा नू, ये जिहड़ी पुस्तक है इहदा असली नाम बाइबल नहीं है, इहदा नाम बाइबल तीसरी सदी च पिया है। इहदा असली नाम अगर बाइबल नू तुसी खोलदे हो इहदे अंदर पहले पन्ने ते पढ़दे हो ते उत्थे लिखिया है पुरानी वाचा ते नहीं। ए पुस्तक दा नाम है वाचा। की नाम है? वाचा। इबरी भाषा च बेरीत ते यूनानी भाषा च दिया थेके ते लतीनी भाषा च इनू कहंदे ने टेस्टम। ए परमेश्वर दा करारनामा है, ए परमेश्वर स्वर्ग दे परमेश्वर दा एग्रीमेंट है। स्वर्ग दे परमेश्वर ने एक वाचा बनी है और ये वाचा बायलैटरल है, दो पक्षी वाचा है। किस तरह की वाचा है? इहदे च दो पार्टियां आपस च समझौता कर दियां ने, एक मसौदा तैयार किया जाता है, एक कानूनी दस्तावेज तैयार किया जाता है, ओदी क्लॉसेस लिखिया जाती है। दोने धिर उस मसौदे नू मन दिया ने, ते दोने तिरां लहू मिक्स कर दिया ने, खून दे द्वारा वाचा स्थापित की जाती है। परमेश्वर ने बाइबल च अलग 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 वाचावां ने, लेकिन असीं देखदे पुरानी वाचा है ते एक नवी वाचा है, एदियां शर्तां ने। जे असीं वाचा दी शर्तां नू मन्नांगे, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय घर पढ़ना तुसीं, ओदे जे परमेश्वर कहंदा है अगर तुसी मेरी इस व्यवस्था दियां गल्लां मन चित ला के चौकसी दे नाल हिरदे तो इना आज्ञावां नू मन्नोगे ते धरती दे उत्ते तुहाडे वर्गी कोई कौम नहीं होएगी। धरती दी सारियां कौमां चो मैं तुहानू श्रोमणी करांगा। परमेश्वर कहंदा है मैं तुहानू पूछ नहीं सगों सिर बनावांगा। परमेश्वर कहंदा है मैं स्वर्ग दे भंडार खोलांगा ते उत्तम आशीषां दा मीं वरावांगा तुहाडे उत्ते। पर कदों? जदों तुसी मेरी वाचा दी जिहड़ा डाकूमेंट लिखिया गया है, जिहड़ा मसौदा तैयार होया है, जेड़िया इहदे च शर्तां ने उहदा पालन करो। तुहानूं पता है इस अजोके समय च जिहड़ा धोखा इह है कि तुसी बाइबल च 6000 परमेश्वर दे वायदे ने, अद्भुत अलौकिक वायदे ने, तुसी परमेश्वर दे वायदिआं नूं ते कढ लैंदे हो ते कैलेंडर बना के घर च लगांदे हो ते तुसी कहंदे हो आई रिसीव इट पापा, मैं इहनूं ग्रहण कर रिहा। लेकिन उहदीआं शर्तां परमेश्वर ने जिहड़ी आज्ञावां दित्तियां है उह मन्नणा नहीं चाहुंदे, ना प्रचारी उहनां दा प्रचार करदे ने। केवल अच्छी अच्छी सोहणी सोहणी बरकत वाली आयतां कढ के तुहानूं दिंदे ने, पर यह नहीं दसते कि परमेश्वर दियां यह बरकतां परमेश्वर दे वरदान तुहाडी लाइफ च किस तरह एक्टिवेट होणगे। व्यवस्था सार 28 अध्याय पढ़ना, 1 तो लैके 14 तक बरकतां ने ते 15 तो लैके लगभग 60 दे करीब लानतां ने। यह वाचा बरकत लानत भी दिंदी है। सुन रहे जी मेरी गल? इज़ेकियल 14:21 च कहंदा है, परमेश्वर कहंदा अगर तुसी मेरी वाचा नहीं मन्नोगे ते मैं 4 सजावां तुहाडे ते भेजांगा। किन्नियां सजावां? 4। इज़ेकियल 14:21 च प्रभु कहंदा है मैं तुहाडे विरुद्ध अकाल भेजांगा, फिर प्रभु कहंदा है मैं तुहाडे विरुद्ध मरी भेजांगा, अंग्रेजी च कहंदे ने प्लेग या पेस्टिलेंस, ते हिंदी च की कहंदे ने? मरी। धरती ते एक मरी आई पिछले सालां च, याद है तुहानूं कि नहीं? की नाश उस मरी दा? कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, COVID-19। ते ओह की सी? ओह उहनूं पैनडेमिक कहा गया।
पैंडेमिक का मतलब होंगे विश्व व्यापी विपत्ति आपदा। तो किन्ने भेजिए, कौन कहता मैं भेजांगा प्लेग धरती के उत्ते? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा कहता है अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आयन के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की वाचा परमेश्वर की आज्ञावां नहीं मनणगे तो परमेश्वर धरती से की भेजेगा? ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 70 ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਲੇਗ ਦੇ ਲਈ 14 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀਬਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ, 14 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ 11 ਸ਼ਬਦ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। हालेलुया। तलवार अकाल मरी। फिर प्रभु की कहता है जिकल 14:21 अगर तुसी फिर भी बाज नहीं आए, फिर भी तुसी पश्चाताप नहीं किया, शुभा नहीं किया, तौबा नहीं की, ते मैं तुहाडे उत्ते जंतु भेजांगा। की भेजांगा? दानियल ए पुस्तक के अंदर 7 अध्याय च 4 तरह के जंतुआं नूं देख रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਨੇ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੈਪਰਡ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਜੰਤੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਜੰਤੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਲਤਨਤਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਤੂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜੰਤੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। 586 BC ਚ ਉਹਨੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਯਰਮੀਆ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਨਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਛਿਨਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂਪ ਧੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਲਕੋਮ ਤੇ ਦਗੋਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ 4 ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਲਹੂ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਂਪ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਛੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਸਜਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਾਇਰਸ, ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖੋ, ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਚ 70 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਥੀ 6 ਦੇ ਆਏ, ਜੈਵੰਤ ਲੀਲਾ ਮੋਹਰਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ
सत मुरां बंद कीती है। ओ पुस्तक ए धरती दी कौमां दी विरासत दी किताब है, धरती दियां कौमां दी विरासत उहदे अंदर है। उस पुस्तक दी मोहरां तोड़ना ते दूर उस पुस्तक दे वल अख करके तकन वाला भी ना स्वर्ग चे ना धरती ते ना धरती दे थले कोई भी कोई नहीं सी। यूहन्ना रोण लगता है पर चौबी प्राचीना चु एक यूहन्ना नूं आखदा है ना रो क्योंकि यहूदा दे गोत्र दा बब्बर शेर यीशु मसीह जित गया है। हालेलुया ਉਹ ਮੋਹਰਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਛੇ ਅਧਿਆਏ ਜਦੋਂ ਲੇਲਾ ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਹਰ ਛੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ तलवार। उदे बाद तीसरी मोर तोड़ी जांदी है, इक काला घोड़ा निकलदा है, उदे सवार दे हाथ दे तराजू है, ते की होया है धरती दे उत्ते खान पीन वालियां चीजां दा भा आसमान नू छू रिहा है। हाइपर इनफ्लेशन आ गई है धरती दे उत्ते, अकाल आ गया है। लाल घोड़ा तलवार लेके आ रहा है, काला घोड़ा धरती दे उत्ते अकाल लेके आ रहा है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਮੋਹਰ ਖੁੱਲਦੀ ਏ ਤੇ ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰੀਕ ਯੂਨਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਏ? ਯੂਨਾਨੀ ਟੈਕਸਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਲੋਰੋਸ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਕਲੋਰੋਸ। ਕਲੋਰੋਸ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਸ ਤੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਸ ਤੋਂ ਕਲੋਰੋਫੋਰਮ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਤਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨੀਸਕਿਊਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੀਲ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਥੈਨਟੋਸ। ਯੂਨਾਨੀ ਪੈਨਥੀਓਨ 'ਚ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਥੀਓਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਥੈਨਟੋਸ ਜਾਂ ਥੈਨੋਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੂਹ ਹੈ ਪਤਾਲ ਦੀ। ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੇਡੀਸ। ਹੇਡੀਸ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਪਤਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਅਰਥਾਤ ਥੈਨਟੋਸ ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਯਮਰਾਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਪਤਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਮੌਤ ਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਬੰਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ, ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਸਿਵਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਹਾਲੇਲੂਇਆ! ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਯੋਹੰਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਅਮੋਘ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਟੈਕਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਲ ਸਮਾਧੀ, ਅਗਨ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਅਗੋਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾਲ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਰੱਸੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਬਿਲੀਕਲ ਕੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ੀਕੀਏਲ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਰੱਸੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਰੱਸੀ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪਕੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਦਨਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੈਫਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਬਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫਰੀਸੀ, ਸਦੂਕੀ, ਯਹੂਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੋਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਥੁੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਏ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ? ਬੜੀ ਸੁਬਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਜਿਹੜਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਬਰਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਲੋਕ ਕੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 28 ਕੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੀ। ਉਹ ਕੋੜੇ 9 ਤੇਲ ਕੈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋੜੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋੜਾ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੋੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਜੋਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ਼ਾਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਹਾਪਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੰਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫੁੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, 6 ਘੰਟੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ, 3 ਘੰਟੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ 7 ਵਚਨ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਬੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚੜਿਆ। 1 ਦਿਨ 'ਚ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਕੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਚੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਹੜਾ
अनादि परमेश्वर का प्रतिबिंब ओदे स्वरूप का इन बिन उतारा है जेड़ा उस अमोघ सृष्टि करता परमेश्वर का सिग्नेचर ओदी छाप है। तुहानू पता है बाइबल च की लिखा है? बाइबल च लिखा है परमेश्वर ने जगत नाल जिहा प्रेम किया कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र बहुत सारे मुस्लिम जिने अपोलोजिस्ट ने जाकिर नायर वर्गे बहस करते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं ग्रीक टेक्स्ट च की लिखिया है यूनानी भाषा च की लिखिया है जिहड़ा शब्द है कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है ओदे लई अनुवाद इकलौता पुत्र सही नहीं है असल च जिहड़ा असली शब्द है मानोगिनास मानो जीन्स जिहड़ा जीन जिहड़े सैल जेड़ा डीएनए यहोवा दे विच है ओही ओ डीएनए यीशु मसीह दे विच है। हालेलुया। इकलौते पुत्र दा मतलब है यहोवा दा डीएनए धरती ते देह धार के उतर आया। हालेलुया हालेलुया। मत्ती 1:18 च मत्ती रसूल कहंदा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा दा पुत्र है। ही इज द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। ओदे अंदर डीएनए यूसुफ दा नहीं है ओदे अंदर डीएनए कहदा है यहोवा दा। प्रेरितां दे काम 20:28 पढ़ियो उत्थे लिखिया है यीशु मसीह दे शरीर च यहोवा दा खून है। किहदा खून है? तुहानू पता है परमेश्वर ने धरती दी मिट्टी नूं लैके गोया एक मिट्टी दा पुतला तैयार कीता। मिट्टी दी अखां मिट्टी दा नक मिट्टी दे होंठ मिट्टी दे कान मिट्टी दी लत्तां मिट्टी दे पैर मिट्टी दे हाथ उन्हें मिट्टी दे दिल बनाया मिट्टी दे फेफड़े बनाए सब कुछ मिट्टी तो तैयार किया। फिर उस सृष्ट दा परमेश्वर अनादि सनातन यहोवा ओ झुकिया ते उन्हें अपना साह किथे मारिया मिट्टी दे पुतले दे नथनिया च इथों दी होके यहोवा दा साह किधर चला गया फेफड़िया च चला गया जेड़े मिट्टी दे फेफड़े सन उस करन लग गए। हालेलुया। जेड़ा मिट्टी दा दिल सी की करन लगा जेड़ी मिट्टी दी अखां सन बेनूरियां उन्हां च नूर आ गया उन्हें अपनी अखां खोलियां ते उन्हें यीशु मसीह नूं देखिया। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह दे वसीले रचिया गया ते कोई इहो जी शै नहीं इन्हां ब्रह्मांडां च। विज्ञान मन्नदा है कि इह यूनीवर्स मल्टीवर्स है। असीं सोलर सिस्टम च रह रहे हां इदां दे शायद खरबां सोलर सिस्टम यहोवा ने उत्पन्न कीते। हालेलुया। ए सूरज सब तो नेड़े दा तारा है ता सानू सेक दिंदा है। ए सूरज वर्गे करोड़ां सूरज समा लैण इदां दे नक्षत्र यहोवा ने बनाए ने। हालेलुया। यहोवा ने उस मिट्टी दे पुतले नूं नां दित्ता आदम। कीना दित्ता? तीन इबरी भाषा दे शब्द नूं गौर नाल सुनना। अलफ दलित मैम। अलफ दा मतलब हुंदा है खुदा। आलिफ का मतलब सेव ऑक्स द हेड मुखिया यहोवा। दलित ते मैम तो एक शब्द बन रहा है जिन्होंने कहते हैं हिब्रू जी दामा। आलिफ खुदा दलित मैम दामा। दामा का मतलब होता है खून। यहोवा ने अलौकिक रीति दे नाल मिट्टी चो खून पैदा किया। अद्धा हिस्सा अपना वजूद दा जेड़ा परमेश्वर दा साह है ओदे लई असली शब्द निशामा खायम। परमेश्वर दे जीवन। परमेश्वर दा जीवन नहीं है परमेश्वर दे जीवन ने प्लूरल शब्द है। परमेश्वर दे जीवन अर्थात परमेश्वर दा तेज परमेश्वर दा प्रकाश आदम दे अंदर चला गया ते ओ जीवंदी जान हो गया ते ओ ते यीशु मसीह दोनों संगत करदे सन। क्यों करते सन? क्योंकि यीशु मसीह दी जात दे विच आदम पैदा हो गया। इहदी जात च है उन्हें कहा जद तक तू मेरी आज्ञा मनेगा ये फल जे तू खाएगा तू सचमुच मर जाएगा। तुहानू पता है मौत दे लई की शब्द है इबरी भाषा च? मौत दे लई इबरी भाषा च शब्द है दामूत। दामामूत अर्थात दामा का मतलब खून। मुक्त का मतलब खामोश हो जाना खून की मौत हो जाना। साडे खून के अंदर जिहड़ी साखी है जीवन की स्क्रोल है परमेश्वर का ओदा खामोश हो जाना। हालेलुया।
कोई धर्म चलाने दे लई नहीं आया इस धरती ते, किसे नवे समाज की सिरजना करन लई नहीं आया। यीशु मसीह इस धरती दे उत्ते आया मौत नू मौत देण दे लई। हालेलुया। कादे लई आया यीशु मसीह? मौत जिहड़ी जम्मी अदन दे बाग च, जिहड़ी सारे मनुखां ते राज कर रही है, मौत नू मौत दे के मौत की गुलामी चो मनुख जाति नू छुड़ाण लई आया। इब्रानियां 2:14 च लिखिया है, जिवें लड़के वाले लहू दे मास च भागी हुंदे ने, उसे तरह प्रभु यीशु मसीह भी लहू दे मास दे विच आया, ताकि लहू दे मास विच आके मौत नू मौत दे। हालेलुया। यीशु सलीब ते लटकिया है, मौत दे कोई इख्तियार नहीं है यीशु मसीह दे विरुद्ध। क्यों? क्योंकि बाइबल च लिखा पाप दी मजदूरी। यीशु मसीह ना ते पाप दे बीज तो जम्मिया, वो पवित्र आत्मा दा पुत्र है, यहोवा दा डीएनए, मानो की नास यहोवा दा बीज, ना ते पाप दे तुखम तो जम्मिया, ना यीशु मसीह ने कदे पाप कीता। हालेलुया। तुहानू पता यीशु मसीह की कहंदे ने? यूहन्ना 14:30 च यीशु मसीह कहंदे ने, दुनिया दा हक मारिया है अर्थात शैतान, पर ओदा मेरे विच कुछ भी। यीशु मसीह इस तरह दा फ्लॉलेस, इस तरह दा कामिल सिद्ध संपूर्ण मनुख है, जिदे विच शैतान दे नेरे दी कोई भी छाप नहीं लगी। हालेलुया। सो जिहड़ा मैं वचन तुहानू दे रिहा है, अज नहीं शायद कल मैं कंप्लीट कर पावांगा, 9 वचन दानियल नबी की पुस्तक। इत्थे की लिखिया है? पहला दानियल दुनिया की बादशाहियां देख रहा है। की देख रहा है? बाबल की बादशाही खड़ी होगी, उसके बाद असीरिया की बादशाही, मीड्स एंड पर्शियन की बादशाही आएगी, फिर यूनान की, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर की बादशाही आएगी, फिर रोम की बादशाही आएगी, फिर रिवाइव रोम आएगा, आखिरी बादशाही जिहड़ी आ रही है हुण, असि उधर नूं जा रहे हां, आखिरी बादशाही वाली। पंजवी बादशाही, पैर जिहड़े लोहा ते मिट्टी दोनों का मेल है, हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते जे, पर हर चीज हाइब्रिड आ रही है, कारां हाइब्रिड ने, जिहड़ियां बैटरी ते थोड़ा चलदियां ने, कई थोड़ा हाइड्रोजन ते चलदियां ने, थोड़ा पेट्रोल ते चलदियां ने, इस तरह की मिलावट आ रही है। कलीसिया के अंदर भी हाइब्रिड काम है, कलाम खालिस नहीं, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड कलाम, मिलावटी कलाम। कलाम के नाल कलीसियावां जे बिजनेस ते कारोबार चल रहे हैं। ते ये दानियल नबी जदों जंतुआं दा दर्शन करता है, ओदे बाद मैं चाहना मुड़ के पढ़ दो 9 वचन, फिर असी प्रार्थना करांगे। 7-9 उठी नो जी के सीगे पास करना। दानियल 7:9 सुनो। आई बिहेल्ड टिल द थ्रोन्स वर कास्ट डाउन एंड द एंशिएंट ऑफ द डेज डिड सिट। दानियल की देख रहा है कि सिंहासन रखे गए ने स्वर्ग दे अंदर, ते एक प्रचंड महान सिंघासन ते जिहड़ा नूर दा बनया है, उस सिंघासन दे उत्ते कौन बैठ रहा है? द एंशिएंट ऑफ डेज। पंजाबी च की लिखा है पढ़ो, मिलिया नहीं हले। अत महान प्राचीन, द एंशिएंट ऑफ डेज, सब तो बुजुर्गवार, अनंतता दा पिता यहोवा परमेश्वर एक महान सिंघासन दे उत्ते बैठिया। ते लिखिया है ओदा जिहड़ा वस्त्र है बर्फ दे नालों भी उज्जवल है, ते ओदे सिर दे बाल जिहड़े ने बिल्कुल सफेद ने, ते लिखिया ओदे सिंघासन दे विचों दी अग निकल रही है। एंड व्हील्स वर एज बर्निंग फायर, ओदे सिंघासन दे पहिए भी अग वर्गे ने। सिंघासन ते बैठा है, ते सिंघासन रखे गए ने, यहोवा परमेश्वर दी स्वर्गी अदालत लग रही है, सुप्रीम कोर्ट खुल रहा स्वर्ग दा, जिहदे विच कौंसलां बैठ रही ने, यहोवा दी लीगल बार बैठ रही है स्वर्ग दे अंदर, ते यहोवा आप विराजमान हो रहा महाप्रतापी सिंघासन दे उत्ते, ते अग दा इक दरिया वग रहा है, हजारा हजार ओदी खिदमत कर रहे ने, लखां गुणा लख ओदे मूहरे खड़े ने, ते किताबां खुल गईआं ने।
की हो रहा है? ये प्रकाश की पोथी है, 17 अध्याय, मेरे को वेला नहीं है जितने जान दिया। किताबा खुल रही ने दुनिया दिया, मुख्तलिफ मुल्कां दिया, देश दिया, अलग अलग देशां दे सरकारां दिया, कलीसियावां दिया, सब पुस्तकां स्वर्ग दे परमेश्वर यहोवा दे मोहरे खोलियां जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगा है इस वर्ष ते लिखिया है, आई बिहेल्ड देन बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्रेट वर्ड्स व्हिच द हॉर्न स्पेक आई बिहेल्ड इवन टिल द बीस्ट वाज स्लेन एंड हिज बॉडी वाज डिस्ट्रॉयड एंड गिवन टू द बर्निंग फ्लेम्स। जंतुआ का न्याय हो रहा, जी सल्तनत ने धरती से राज किया है। मैं हूं तुम्हें वचन देना चाहना, उसके बाद मैं छड़ना चाहना, कल कंटिन्यू करांगा। 13 वचन मैं चाहना, 13 वचन कोई पढ़े पंजाबी च। पास्टर जी उठ नहीं है, तो बाहर तो निकले ही नहीं, दारियां छत से तेरा कोई होर नहीं है पढ़ने लिए, नहीं किसी को पढ़ना आता वचन है, हिंदी से पढ़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं रात दियां दृष्टियां डिठा अते वेखो एक जना मनुख दे पुत्र वर्गा आकाश दे बदलां सुने आया अते अत प्राचीन दी अपड़िया अते ओ ओनू उस दे अगे लियाए। पाशाही और प्रताप और राज ओनू दिता, पई सबो कौमा और लोग और बोलियां ओदी टहल करन। सुनिए ध्यान नाल, कल इत्थों असीं कंटिन्यू करांगे। इत्थे की लिखिया है, आई सॉ इन द नाइट विजन, वो अपने बिस्तर से लेटिया दर्शन देखता है परमेश्वर दा अजीम खादम डैनियल, वो बुढ़ा हो गया है, ते की देखता है कि मनुख दा पुत्र आया है। कौन आया है? कौन देख रहा मनुख दे पुत्र नू? डैनियल। ये जड़ा मनुख दा पुत्र है, इन्हें 600 साल बाद मरियम दी कुख चे आना है। हले मरियम दी कुख चे आया, लेकिन ये मरियम दी कुख चे आन तो भी पहला दा है। मरियम दे कोखचे दी शुरुआत नहीं हुई। रोमन कैथोलिक चर्च कहती है कि मरियम परमेश्वर यीशु दी मां है, यही डॉक्टर गलत है। मरियम मनुख यीशु दी मां है, परमेश्वर दी मां नहीं है। हालेलुया। अगर वो परमेश्वर दी मां है तो फिर वो परमेश्वर दे नालों भी वड्डी है। हालेलुया। ए जड़ा सन ऑफ मैन है, मनुख दा पुत्र है। मीका नबी कहता है एदा आना एदा निकलना प्राचीन काल तो, ए मनुख दा पुत्र अनंत है, ए मनुख दा पुत्र अजन्मा है, ए मनुख दा पुत्र रचिया नहीं गया, ए मनुख दा पुत्र अनादि काल तो सिरजणहार यहोवा दे नाल संगत करता है। ए मनुख दा पुत्र धरती ते आया है। तुहानू पता है यीशु मसीह अपने मुंह तो अपने आप नूं की कहिंदा सी? लगभग 79 बार यीशु मसीह मत्ती मरकुस लूका योहन्ना च अपने आप नूं मनुख दा पुत्र कहिंदा है। की कहिंदा है? की कहिंदा है? मनुख दा पुत्र कहिंदा है। असीं ते मिट्टी दे खाक दे आ, असीं अपने आप नूं पापा डैडी कहिंदे आ। राइट रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, हिज होलीनेस, पता नहीं की वड्डे वड्डे अलंकार अपने नां दे अगे लाने आ। जिहड़ा सृष्टि दा मालिक है, अनादि अजन्मा अगोचर यहोवा दे अंग संग रहण वाला, वो अपने आप नूं मनुख दा पुत्र कहिंदा है। हालेलुया। क्योंकि ये मनुख दा पुत्र अद्भुत है, उस सलीब ते अज भी लटकया रहिंदा जिंदा ही। अगर वो ये ना कहिंदा कि हे परमेश्वर अपना आत्मा मैं तेरे हत्था विच सौंपदा, उन्हें मौत ने नहीं मारिया, उन्हें क्या कोई मेरा प्राण मेरे तो लेंदा? यीशु मसीह कोई बेचारा नहीं है। यीशु मसीह रोमिया दे राजनीतिक षड्यंत्र दा या यहूदिया दे धर्मी षड्यंत्र दा शिकार नहीं होया। यीशु मसीह आया ही क्रूस दा दुख भोगण दे लई। यीशु मसीह आया है क्रूस दी खौफनाक मौत मरण दे लई। यीशु मसीह धर्म बनाने दे लई, नवा पंथ बनाने दे लई, लोकां दा मजहब बदलने दे लई नहीं आया। यीशु मसीह आया परमेश्वर दा निष्कलंक लीला होके क्रूस दी यज्ञ वेदी दे उत्ते अपने आप दी आहुति दे के पताल ते मौत नूं हराण दे लई। हालेलुया। हालेलुया। ते ओने पताल ते मौत नूं हराया।
यूहन्ना ते अगे जो जलाली यीशु प्रगट होया यूहन्ना मुर्दे की तरह के चरणों च डिग पिया। उन्हें अपना सज्जा हाथ उन्हें रखिया ते आखिया वेख मैं अब्बल ते आखरा मैं मर गया सा हुण मैं जिउंदा हां। हालेलुया। आओ असीं सब अपनी अखां बंद करिए। मैं चाहना असीं सब अपने पैरां ते खड़े होइए प्रार्थना करिए। हालेलुया। इस जलाली अद्भुत यीशु मसीह के पैगाम नूं बेधड़क होकर दुनिया च फैलाओ। यीशु मसीह ने हुक्म दिता है पूरी दुनिया च जाके लोगों नूं मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। ये आदेश स्वर्ग की सर्वोच्च सरकार का है। यीशु मसीह लोगों नूं अपने चेले बनाउंदा है। हालेलुया। किहदे चेले बनाने हैं? अपने नहीं जे बनाने के बनाने। हालेलुया। सब अपनी अखा बंद कर दो। हालेलुया। सब अपनी अखा बंद करिए। जिहड़ा जिउंदा परमेश्वर अपने हाथ दे विच सत तारे लई खड़ोता है। जिहड़ा शमादाना दे विच चलदा फिरदा है अज भी साडे विच चल फिर रहा है। हालेलुया। उस यीशु मसीह दी असीं मुंह खोल के वडियाई करिए। हालेलुया। सब हालेलुया। दिलो जहां से पुकारू तुझे आग रूकी लगा दे मुझे। दिलो जहां से पुकारू तुझे आग रूकी लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरी रंगबू मुझ में आए तेरी रंगबू। यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू यीशु छू यीशु छू। मैं था बेफल शजर की तरह खाली खाली अबर की तरह। मैं था बेफल शजर की तरह खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें थी मेरे चारों सू मुश्किलें थी मेरे चारों सू। यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को तू। यीशु छू मेरे जीवन को तू। शजर की तरह
परमेश्वर के आगे मेरे सर की गुनगुनाई दुआ से पहले चंगी तारा दो मेरी कर सफाई मैनू कर तू पाक मैनू कर तू पाक बख्श दी सब बुरे वांगू फजल रहम कर वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे तू है उते मेरे सब गलिए फजल नाल रब फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे बख्श गुनाह सब मेरे मेरे नाल गाना सब अपने हाथ उठा मैं भी पैदा हो वेखो विच बुरे आई मैं भी पैदा हो वेखो विच बुरे आई मैनू विच मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई जमिया मेरी माई वांगू फजल रे अपने हाथ उठाइए मेरे पीछे पीछे दुआ करिए बोलिए स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जलाली खून लई तुहाडा धन्नवाद तुहाडा धन्नवाद मेरा कफारा मेरी निजात मेरा छुटकारा लेले दा पेश कीती Father, I thank you for your presence. Lord, I could sense your angels walk through your glorious and majestic presence in this place. Lord, I pray the impact of your word upon the hearts of your people shall be profound. Lord, you write your word on the tablets of our heart.
May you continue to do that assignment. May your people in Punjab rise up. Lord, may your glory, may your power, may your virtue flow through your anointed people. Khudaand, tu apna haath bada Punjab mein. Hum milke aaj ki raat dua mangte hain. Khudaand, tu apna haath bada. Jab mandali pe satav aaya, kalisya pe satav aaya, sevakon ko jailon mein thusa jaane laga. Herodes ne apna napak haath badhaya. तब कलीसिया ने दुआ की कि ये परमेश्वर अपने पवित्र पुत्र यीशु मसीह के नाम में अपना हाथ बढ़ा कि अजीम निशान अजीम मौत से अद्भुत काम प्रकट हो। हम प्रार्थना करते हैं पंजाब यीशु मसीह के लहू की कुदरत से गिलाया जाए। मैं डर की रूह को खौफ की रूह को जो लोगों में काम कर रही है आज की रात यीशु मसीह तेरे लिए इख्तियार से डर की रूह के ऊपर इख्तियार लेता हूँ। बांधता हूँ डर की रूह को और उसे पताल में भेजता हूँ। रावण तू दिलेरी के रूह से अपने खात्मों को मसा करता है। तू दिलेरी देता है, हिकमत देता है, बुद्धि देता है और समझ भी देता है। अपने खादमों को मसा करना, एक एक जड़ को चंगा करना, सर से लेके पांव तक रूह में भर देना, कुवत से भर देना। प्रभु तेरे लोगों पे अपनी अग्नि को भेजना, आग की फ्लेम को, ताकि तेरे लोग प्रार्थना करने लगे, तेरे कलाम के भूखे हो जाएं, सच्चे कलाम के, तेरी सच्ची राहों पे चले, तेरी पवित्रता के खोजी हो जाए। खुदावन बनावटीपन दिखावटीपन जो मसीहत में आ गया है, जो लूट ठगी प्रार्थना के नाम पे मचाई है, और खुदावंद जो लूट ठगी मचाई है अभिषेक का तेल लेइंग हैंड, और खुदावंद तुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हें पृथ्वी के ऊपर सजाएं भी। उन सेवकों की आंखें खोल खुदा, वो यीशु मसीह के नाम को बिजनेस में ना बदले। हालेलुया। और तेरी सच्ची जील की मनाती, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में। अपने दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां दी भेंट यीशु मसीह को अर्पण कर दी। जोरदार तालियां, जोरदार हालेलुया। सब मेहरबानी करके बैठ जाए अपनी जगह पे, सब बैठ जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे संदेश के लिए। पवित्र वचन से आपने उन बड़ी गुप्त बातों को, ज्ञान की बातों को इस पर परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखा है। सच में हमारा परमेश्वर महान है। धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास के लिए जिनको प्रभु ने आज शाम इस्तेमाल किया है। हमारी प्रार्थना है और इससे पहले कि हम गीत गाएं, क्वायर इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी ये हमें मौका दे, और लोग भी आप सब इंतजार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोग तो अपने पर्स में हाथ डाल रहे हैं ऑफरिंग के लिए, और कई तैयार हो रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा के लिए कुछ करें। हम आपको मौका देंगे, समय देंगे कि आप प्रभु की सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं। इसलिए इसके बाद एक गीत गाया जाएगा और उसमें भेंट ली जाएगी, ऑफरिंग ली जाएगी, और अगर आप खुशी से प्रभु की सेवा के